आप देख रहे हैं दखल न्यूज। मैं इस वक्त गौर बगले में कृष्णा गौर जी के साथ हूं, पहली महिला विधायक जो लगभग 50,000 वोटों से जीत की प्राप्ति की हैं। कृष्णा गौर जी की पहचान सिर्फ इतनी नहीं है कि वो पहली महिला विधायक हैं, ये ऐसी महिला विधायक हैं जो हाईली एजुकेटेड हैं। कृष्णा गौर जी ने काफ़ी भारी मतों से जीत हासिल की है और हर राउंड में इन्होंने अपनी बढ़त बना कर रखी। हम कृष्णा गौर जी से बात करेंगे, कैसा एक्सपीरियंस रहा पूरे चुनाव का उनका। जिस दिन से मेरा टिकट फाइनल हुआ था उसी दिन से लगातार जनता के बीच में अपार जन समर्थन मुझे प्राप्त हुआ। जनसंपर्क के दौरान जहाँ जहाँ भी गई, पूरी विधानसभा में एक कोने से दूसरे कोने तक हर वर्ग, चाहे वो बुज़ुर्ग हो, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे युवा हों, हर वर्ग ने बहुत सम्मान किया। आशा दी मुझे बहुत बड़ी कि आप चुनाव जीतेंगे, हमारा समर्थन आपके साथ है। तो एक बहुत बड़ा विश्वास मेरे मन में था कि मेरी जीत तो निश्चित है, कितने अंतर से होगी ये समय बताएगा। कृष्णा जी, आपने जब टिकट की बात आई थी तो काफ़ी लोग आपके विपक्ष खड़े हुए थे कि टिकट ना मिल पाए, कैसे भी पार्टी से बाहर हो जाएं, और कांग्रेस भी पलक पावड़े बिछाए बैठी थी कि बस ये हमारे खेमे में आया तो हमारी एक सीट और बढ़ जाए। अभी चूंकि सरकार आपकी नहीं बन पा रही है, कहीं कुछ अफसोस तो नहीं है कि काश मैं कांग्रेस ज्वाइन कर ली होती तो अभी सिटिंग सरकार में होती? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं भारतीय जनता पार्टी की निष्ठावान कार्यकर्ता हूं। पार्टी के विचार को लेकर हम काम कर रहे हैं और उस विचार को जन जन तक पहुंचाना हमारे सार्वजनिक जीवन में काम करने का उद्देश्य है, तो सवाल ही नहीं पैदा होता कांग्रेस में जाने का। और मैं मानती हूँ कि ये बात सच है कि जीत तो मुझे बहुत अच्छी हासिल हुई है, लगभग 50,000 वोटों की जीत हुई है। भोपाल की पहली महिला विधायक होने का सौभाग्य मुझे मिला, लेकिन हम सरकार नहीं बना पा रहे हैं, इसका मुझे दुख है। और मैं इसमें कहीं से भी ये नहीं मानती कि इसमें सरकार की कोई कमी रही है। हमने पिछले 15 वर्षों में काम करके दिखाया है, विकास करके दिखाया है। मध्य प्रदेश जो कभी कांग्रेस के कुशासन में बीमारू प्रदेश कहलाता था, उसे हमने सुशासन में बदला, एक विकसित राज्य में बदला। मुझे लगता है कि जो जनादेश हमें प्राप्त हुआ है ये सरकार की कमी की वजह से या नाकामी की वजह से नहीं, सरकार की उपलब्धियाँ तो बहुत थी, ये व्यक्ति की कमियों की वजह से हमें। आप कारण क्या मानते हो, कहीं एट्रोसिटी एक्ट को कारण मान सकते हैं? मुझे लगता है कि कहीं GST नोटबंदी, क्या ये इस समय कोई लहर नहीं थी, इस समय व्यक्तिगत चुनाव हुआ था और व्यक्तिगत जो प्रत्याशी लोगों को अच्छा लगा लोगों ने उसको वोट दिया। अभी यहाँ हम अदर सीटों की भी बात करें तो सिटिंग जो मंत्री थे, 13 मंत्रियों की हार हुई है, तो क्या ऐसा लगता है कि जनता उनको पसंद नहीं करती थी? नहीं, मुझे लगता है कि अगर सरकार की कोई कमी होती या क्योंकि मंत्री तो सरकार के थे ना, काम तो वो सरकार में कर रहे थे, तो सरकार तो अपने स्तर से बहुत अच्छा काम कर रही थी, योजनाएँ भी बहुत अच्छी थी। अगर सरकार की नाकामी होती तो शायद हम 109 विधायक नहीं जीत के आते। 109 विधायक का जीतना इस बात का प्रमाण है कि सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन व्यक्तिगत जो प्रत्याशियों की कमी रही उसके कारण हम चुनाव हारे हैं। कमलनाथ जी ने रात को 2:30 बजे एक कॉन्फ्रेंस की और उसमें क्लियर किया कि भाई हम सरकार बना रहे हैं, और इधर अभी शिवराज जी का भी कुछ खबरें आ रही हैं ऐसी कि वो बोल रहे हैं कि अब हम इस्तीफा देने जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप लोग एक मजबूत विपक्ष में बैठेंगे, आप एक महिला हैं, कहीं आपने महिलाओं पे हुए अत्याचारों को अभी कोई कारण बनता है जिससे सरकार नहीं लौट के आ पाए? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में जो मतदान का प्रतिशत आया है उसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने वोट किया है और महिलाओं का वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहा, ये बात बिल्कुल सत्य है। मैं अपने चुनाव की ही बात करूं गोविंदपुरा विधानसभा की, तो 2013 में 38% महिलाओं ने मतदान किया था और अब 2018 में 58% महिलाओं ने हमारे क्षेत्र में मतदान किया, अर्थात 20% ज़्यादा मतदान महिलाओं का हमारे क्षेत्र में हुआ और वो 20% हमारे पक्ष में गया है। तो इसका सीधा सीधा मतलब तो यही है कि महिलाएं भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में थी और उनका समर्थन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। हाँ, चूँकि जनादेश अब हमें ऐसा मिला है, हम जनादेश को हम शिरोधार्य करते हैं, जनादेश को स्वीकार करते हैं,
कहाँ कमी रह गई, कहाँ चूक होगी, इस बात की समीक्षा होगी। हमारा प्रदेश नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व विचार करेगा, बैठेगा और उस पर हम जो कमी और चूक रह गई उस पर हम विचार करके आने वाले समय में उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन विपक्ष में बैठने के साथ साथ मेरी जिम्मेदारी यही होगी कि जनहित के मुद्दे विधानसभा में उठाऊँ, महिला सशक्तिकरण के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करूं और सरकार की जो कमी है उसको मैं पूरी पुरजोर तरीके से उस कमी को आप मानती हैं कि कुछ कमियां रह गई थी जिस कारण सरकार नहीं बन पाई, आप इनमें कितना परसेंट केंद्र को और कितना परसेंट राज्य को देंगी कि राज्य की कितने परसेंट कमियां थी और केंद्र की क्या कमियां थी जिसके कारण आज मध्य प्रदेश से भाजपा का नाम उठ गया? नहीं, मुझे लगता है केंद्र सरकार ने भी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी और मध्य प्रदेश की हमारी सरकार ने भी बहुत बेहतर काम किया है और उसका परिणाम हमको देखने को भी मिला है। हम 2003 के बाद 2008, 2013, 2018 के चुनाव में समीक्षा के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा क्या कमी रही, पर जहाँ तक मेरा अनुमान है सरकार ने अपने स्तर से बहुत काम किए, बहुत प्रयास किए। ये व्यक्तिगत नाराजगी के कारण इस प्रकार का जनादेश हमको देखने को मिला है। लेकिन अभी पहली महिला विधायक आप भोपाल से हैं, पहली महिला विधायक का जो आपको खिताब मिला है उस खिताब को कैसे कायम रखेंगी, क्या करेंगी आगे, आगामी आपकी क्या योजनाएं हैं जिस कारण आप अपनी पहचान वजूद बना के रखें, क्योंकि सरकार तो नहीं रही, विपक्ष में बैठ के आपकी पहचान को आप कैसे कायम रखेंगी? मैं अपनी इस विजय को महिलाओं के चरणों में समर्पित करती हूँ क्योंकि महिलाओं ने बहुत आशीर्वाद मुझे दिया है और हमेशा से जनता के बीच में रही हूँ, हमेशा जनता के बीच में रहूँगी। उनकी सेवा करने का उद्देश्य मेरे जीवन का है और जनता की सेवा करके ही उनका विश्वास जीतकर जो विकास के काम है उन विकास के कामों को प्राथमिकता देते हुए हम पूरे 5 वर्ष काम करेंगे और विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि 5 वर्ष के बाद हम फिर सरकार बनाएंगे। आप हाईली एजुकेटेड हैं, आप काफ़ी पढ़ी लिखी महिला हैं, अगर बात करें महिलाओं की यहाँ पर एजुकेशन की तो बहुत पिछड़ा हुआ है मध्य प्रदेश पढ़ाई में, तो आप उस पर कैसे काम करेंगी कि महिलाएं जो हैं पढ़े लिखें, विकास करें, उनको रोज़गार मिले और बराबरी का हिस्सा मिले? निश्चित रूप से मैं मानती हूं कि आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नारी ही सच्ची निष्ठा से परिवार समाज की सेवा कर सकती है और मेरा ज़्यादातर प्रयास भी इस बात का रहा है महिला सशक्तिकरण में आर्थिक रूप से महिलाओं को सशक्त किया जाए और इस दिशा में हमारी सरकार की जन कल्याणकारी महिलाओं के लिए जो योजनाएँ थी उनका लाभ दिलाकर हमने उनको विकास की मुख्य धारा से जोड़ा। अब चूंकि हम विपक्ष में हैं, हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम सरकार को इस बात के लिए प्रेरित करें, प्रोत्साहित करें कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं के लिए और योजनाएं बने ताकि हमारी महिला सशक्त होकर विकास की मुख्य धारा में और बेहतर काम कर सके। आपके सर पे हाथ आपके ससुर जी का माना जाता है, बाबूलाल गढ़ जी का, आप कितना सहयोग मानती हैं आपकी जीत में? मैं निश्चित रूप से मैं पूरा सहयोग मानती हूँ। बाबूजी ने पिछले 40 वर्षों से गोविंदपुरा की जनता की जो सेवा की है, जो प्लेटफॉर्म तैयार किया उस प्लेटफॉर्म पर मुझे काम करने का अवसर मिला, जो प्यार स्नेह विश्वास क्षेत्र की जनता ने बाबूजी को दिया था वही प्यार स्नेह और विश्वास मुझे भी दिया और मैं क्षेत्र के मतदाताओं को, क्षेत्र की जनता को ये विश्वास दिलाती हूँ कि जिस प्रकार बाबूजी ने सेवा की बिल्कुल वैसे ही सेवा करके जनता का विश्वास प्राप्त करूँगी। कृष्णा गौर जी महापौर थी तभी उन्होंने भोपाल में उन्नति के लिए, उत्थान के लिए बहुत काम किए, काफ़ी नई चीज़ें लाई, महिलाओं के लिए काफ़ी कुछ किया। आज वो विधायक हैं, काफ़ी उम्मीदें इनके साथ जुड़ी हुई हैं, टिकट इनको नहीं दिया जा रहा था, ससुर साहब ने बहुत लड़ाई की और लड़कर कहें तो छीन कर टिकट लेके आए, उस पर क्या कहेंगी? नहीं बिल्कुल नहीं, मैं पहले ही दिन से कह रही थी कि टिकट मेरी पार्टी मुझे ज़रूर देगी, विलम्ब हो रहा है लेकिन अंततः टिकट मुझे ही मिलेगा और ऐसा हुआ। कह सकते हैं कि पार्टी मजबूरी में आपको टिकट दे? नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई मजबूरी पार्टी के समक्ष नहीं थी, एक प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया से हम गुजर रहे थे और अंततः टिकट मिला। छीन के या लड़कर कैसे भी टिकट लिया हो, लेकिन कृष्णा गौर जी को टिकट देना मध्य प्रदेश के लिए एक सीट बढ़ोतरी ज़रूर हुई। कृष्णा गौर जी हमारे साथ थी, कृष्णा गौर जी को दखल न्यूज़ की तरफ से हार्दिक बधाई कि वो इस वक्त मजबूत विपक्ष में पहली भोपाल की महिला विधायक हैं। मैं शेफाली गुप्ता कैमरामैन तरुण यादव के साथ दखल न्यूज़ भोपाल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।